भाई उधर देखो उधर। मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता होगा तो झूठा आरोप लगा रहा है। अच्छा, मेरा कोई भी गाना बलगर नहीं हो सकता, हास्य में हो सकता है, व्यंग्य हो सकता है, अदरवाइज मैं तो भजन सम्राट के नाम से जाना जाता हूँ साहब। नमस्कार दोस्तों, भजन सम्राट इनको कौन नहीं जानता। वैसे बता दूं, ये हैं भाजपा से दो बार के सांसद मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा। दोस्तों आए दिन सोशल मीडिया पर इनकी धुलाई के बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं रिंकिया के पापा की आज जैसी शानदार धुलाई की वीडियो आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी। वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि रिंकिया के पापा इस टीवी डिबेट में बड़बोलेपन में पत्रकारों के सामने बोल रहे हैं कि साहब मैं तो भजन आज तक मैंने कोई भी अश्लील गाना नहीं गाया। इस डिबेट में जो रिंकिया के पापा के साथ हुआ उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। डिबेट में सामने बैठे पत्रकारों ने जबरदस्त तरीके से भजन सम्राट को आड़े हाथ लिया और एक एक करके रिंकिया के पापा के सभ्य और सामाजिक गानों की कलई डिबेट में पब्लिक के सामने खोलने लग जाते हैं। फिर क्या, भजन सम्राट अपने सभ्य गानों के पोल खुलते देख हाथ जोड़ लिए और दाचिया डिबेट छोड़ भाग लिए। घबराना नहीं, देख चला अभी तुम, देख इधर। जरा प्ले ऑन करिए मनोज जी का बयान, दिखाइए जरा एक बार। सब ढूंढ के रखे हुआ। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए। वो बहुत अच्छी बात आपने कही कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के खिलाफ तथाकथित रूप से कुछ बात कही, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फूहड़ता, छिछलापन, भोजपुरी गानों के जरिए आप पर आरोप लगता है कि आप महिलाओं के खिलाफ तमाम तरह के गाने गाते हैं और इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, आप कैसे अपना बचाव करेंगे? नीतीश कुमार का तो आपको बुरा लगा। मैं, मेरा कोई भी गाना सुनाइए। आप लोगों को किसी को मालूम है इनके गाने भोजपुरी के? मैं कुछ गाने आपको बताता हूँ। गाने के वर्ड थे, गोदिया में हमका हमके लेला पिया, पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे पास एक और गाने का बोर्डिंग है, लड़की का कमर करंट मारे ले, लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले। तो इसमें वल्गर क्या है? एक किसी भी महिला का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना ठीक है सर? नहीं, इट्स, देखिए अगर किसी को इसमें ऐतराज हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये गाना वल्गर नहीं है। मनु जी, हमारे एडिटर्स बोल रहे थे अगर आप ये गुनगुना पाएंगे। अरे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, बैंड बज गया। देखा आप लोगों ने, अभी अपने जिन गानों को भजन सम्राट सभ्य और सामाजिक बता रहे थे, उन्हीं गानों को जब पत्रकारों ने लाइव डिबेट में जनता के सामने गुनगुनाने को बोला तो भजन सम्राट ने हाथ खड़े कर दिए और रोना धोना चालू कर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिए। हम जब फिल्म में करते हैं काम तो फिल्म में क्या गाना हमसे क्या गवा रहा है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्या कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है, उसको मेरे साथ मत चिपकाओ। अमिताभ बच्चन जी भी कभी गाना कहे हैं कि समंदर में नहा के तुम, तो क्या अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर वैसा कर देंगे? क्या फिल्म में कोई रेप सीन कर रहा है तो रेपिस्ट हो जाएगा? क्या इस तरह से इस देश में कलाकारों को लिया जाएगा? कुछ तो रहम करो मेरे प्रभु, कुछ तो रहम करो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।